अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। आज हम इंशाल्लाह ग्रेड 9 की एक्सरसाइज यानी कि यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर रूट। यानी कि आपने डियर स्टूडेंट्स इसका क्या फाइंड करना है, ओनली ऑन कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट का तरीकाकार हम पहले भी ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब इधर भी हमने ओनली ऑन इसका ये वाला साइन जो है वो क्या कर देना है, चेंज। क्या लिखेंगे, द कॉन्जुगेट, द कॉन्जुगेट ऑफ 3 + 7 का स्क्वायर रूट इज 3 - 7 का स्क्वायर रूट। यानी कि डियर स्टूडेंट्स आपने स्क्वायर रूट के साथ जो वैल्यू होगी वो उस वैल्यू को आपने साइन क्या कर देने हैं, चेंज। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या फाइंड हो गया, कॉन्जुगेट। अब पार्ट नंबर 2 जो है 4 - 5 का स्क्वायर रूट, इसका कॉन्जुगेट लिखता हूं, द कॉन्जुगेट ऑफ 4 - 5 का स्क्वायर रूट इज 4 + 5 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 जो है पार्ट नंबर 7 सॉल्व करता हूं, 7 - 6 का स्क्वायर रूट, सॉल्व द कॉन्जुगेट ऑफ 7 - 6 का स्क्वायर रूट इज 7 + 6 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर लास्ट जो है पार्ट नंबर 8 वो सॉल्व करता हूं, 9 + 2 का स्क्वायर रूट, सॉल्व द कॉन्जुगेट ऑफ 9 + 2 का स्क्वायर रूट इज 9 - 2 का स्क्वायर रूट। अब डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समय लग गए होंगे। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है, इफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3 का स्क्वायर रूट, फाइंड द वैल्यू 1/x। यानी कि आपने 1/x फाइंड करना है, एक्स हमें गिवन है, सॉल्व एक्स इज इक्वल 2 - 3 का स्क्वायर रूट। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है, रकम उल्टा देंगे हम क्या बन जाएगा, 1/x इज इक्वल 1/2 - 3 का स्क्वायर रूट। अब डियर स्टूडेंट्स इसका हम कॉन्जुगेट लेके इसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 + 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 + 3 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, जब 2 + 3 का स्क्वायर रूट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज लिखा जाएगा 2 + 3 का स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई 2 - 3 का स्क्वायर रूट, राउंडिंग ब्रैकेट ऑन ऑफ और 2 + 3 का स्क्वायर रूट, राउंडिंग ब्रैकेट ऑन ऑफ। अब डियर स्टूडेंट्स नॉमिनेटर एज इट इज 2 + 3 का स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a - b, a जमा b
ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल किसके होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। क्या बन जाएगा, टू का स्केयर माइनस थ्री के स्केयर रूट का स्केयर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नोमिनेटर एज इट इज टू प्लस थ्री का स्केयर रूट एज इट इज। टू का स्केयर डियर स्टूडेंट्स कितना होता है, फोर माइनस। अब ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसल, तो रिमाइंडर क्या रह गया इधर से, थ्री। अब हमारे पास क्या बन गया, इज इक्वल टू प्लस थ्री का स्केयर रूट फोर माइनस वन। फोर माइनस थ्री इज इक्वल किसके आएगा, वन में, और वन जो है हम इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में वन नहीं लिखा जाता। और नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर थ्री जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर थ्री हमारे पास लिखा हुआ है, इफ एक्स इज इक्वल थ्री का स्केयर रूट प्लस टू, फाइंड एक्स प्लस वन ओवर एक्स। सॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम इस ये वाला लिखते हैं एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल थ्री का स्केयर रूट प्लस टू। अब प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जिस तरह डियर स्टूडेंट्स हमने वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड की है, इसी तरीके से हम इसका भी पहले वन ओवर एक्स फाइंड करते हैं। क्या लिखेंगे, अब ये रकम उलट जाएगी, वन ओवर एक्स इज इक्वल वन ओवर थ्री का स्केयर रूट प्लस टू। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज। नेक्स्ट इसी के साथ डिवाइड। नेक्स्ट अब नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डियर स्टूडेंट्स, थ्री का स्केयर रूट माइनस टू जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज ही लिखा जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, जब थ्री का स्केयर रूट प्लस टू, थ्री का स्केयर रूट माइनस टू आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास इधर यही फार्मूला अप्लाई होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल ए स्केयर माइनस बी स्केयर। क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर इज इक्वल, डियर स्टूडेंट्स, ये किसके आएगा हमारे पास, नॉमिनेटर एज इट इज थ्री का स्केयर रूट माइनस टू ओवर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में क्या हो गए, कैंसल। इधर क्या रह गया, थ्री माइनस टू का स्केयर कितना होता है, फोर। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं, थ्री का स्केयर रूट आगे माइनस टू ओवर थ्री माइनस फोर इज इक्वल किसके आएगा, माइनस वन के। अब डियर स्टूडेंट्स, माइनस जो है वो ऊपर लिखता हूं इज इक्वल, ये माइनस डियर स्टूडेंट दरमियान में भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर लिखता हूं राउंडेड ब्रैकेट ऑन। वन डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता इसलिए नहीं लिखा, थ्री का स्केयर रूट माइनस टू। अब ये माइनस डियर स्टूडेंट्स अंदर साइन क्या करेगा, चेंज, माइनस थ्री का स्केयर रूट और ये प्लस का क्या बन जाएगा, टू। ये हमारे पास वन ओवर एक्स की क्या फाइंड हो गई है, वैल्यू। लेकिन हमने टारगेट हमारा क्या है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स फाइंड करना, नो, एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल। अब x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन थी, क्या थी, थ्री का स्केयर रूट प्लस टू। आगे डियर स्टूडेंट्स, ये वाला प्लस, आगे वन ओवर x की वैल्यू माइनस थ्री का स्केयर रूट प्लस टू। थ्री का स्केयर रूट प्लस टू एज इट इज, अब ये जमा माइनस माइनस थ्री का स्केयर रूट प्लस, जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस ई आएगा और टू। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस
थ्री का स्केयर रूट और माइनस थ्री का स्केयर रूट क्या हो गया, कैंसल। नेक्स्ट 2 प्लस 2 इज इक्वल है 4। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक्स प्लस वन ओवर एक्स की क्या फाइंड हो गई है, वैल्यू। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की अच्छे से समझ लग गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।